हाय, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने सी प्रोग्रामिंग को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा था। आज हम लोग समझते हैं डेटा टाइप्स वगैरह को कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैं आता हूँ आपके लिए, मैंने यहाँ पे देखिए ये रखा है कि बेसिकली चार टाइप के डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे, इंट, फ्लोट, डबल, कैर। अच्छा, इनकी कुछ साइज होती हैं, रेंज होती हैं, इनको मैं डिफाइन करूँगा, बट मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। अब इंट भी दो टाइप के हो सकते हैं, साइंड हो सकते हैं, अनसाइंड हो सकते हैं। साइंड वो होते हैं जिसमें माइनस से प्लस में वैल्यू स्टोर की जा सकती है, यानी कि ये जो साइंड इंट है वो 2 बाइट का होता है, 2 बाइट तक का डेटा इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू -32768 से 32767 तक हो सकती है। और अनसाइन इंट में 0 से 65535 तक हो सकती है, यानी कि ये दोनों को ऐड कर ले तो प्लस में हो जाती है। इसकी भी साइज 2 बाइट ही होती है। इसी तरीके से लॉन्ग इंट होता है और शॉर्ट इंट होता है, जिनकी साइज यहाँ पे दी हुई है। ये अभी आप समझ पाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि जब आप एक इंटीजर लेंगे उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, कितनी ही वैल्यू स्टोर हो सकती है। बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो नॉर्मल इंट में नहीं स्टोर होगी, उसके लिए आपको लॉन्ग इंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बहुत छोटी वैल्यू आपको रखनी है तो आपको शॉर्ट इंट यूज करना चाहिए। देन फ्लोट क्या होता है? फ्लोट वो होते हैं जो हमें फ्रैक्शन में वैल्यू स्टोर करने होते हैं, उसके लिए हमें फ्लोट का यूज करना होता है। जैसे आपको स्टोर करना है 3.5, तो 3.5 जो है एक फ्लोटिंग वैल्यू है, तो इसको हम ऐसा क्या करेंगे, एक फ्लोट में स्टोर करेंगे। फ्लोट कंटेन करता है नॉर्मल 3 को भी और 3.5 को भी, जबकि इंटीजर के अंदर कभी भी आप 3.5 स्टोर नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से डबल होता है, जिसमें आप दोनों टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसके पास मेमोरी भी ज़्यादा होती है, यानी इसमें 8 बाइट तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब करेक्टर्स क्या होते हैं? करेक्टर होते हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट्स, जो भी ABCD XYZ कुछ भी हमारा अल्फ़ाबेट है वो एज अ करेक्टर है। और एक करेक्टर के अंदर 1 बाइट स्पेस होता है, दैट मीन्स उसमें केवल एक वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो इस तरीके से हमारे ये डेटा टाइप हैं, इनमें से कुछ डेटा टाइप को आज हम यूज करेंगे और देखेंगे कि उनके साथ हम कैसे अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम अपने VS कोड पे। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि इंट, फ्लोट, डबल, कैर ये हमारे डेटा टाइप्स हैं, इनके साथ हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले हम इंट पे आते हैं और इंट को डिफाइन करते हैं। जैसे ही आप INT लिखेंगे तो ये एक डेटा टाइप बता रहा है कि आप किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर करना चाहते हैं। अब मान लो कि इसमें हमने दे दिया ए। ए कोई डेटा टाइप नहीं है, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा स्टोर होगा। देन इक्वल टू, अब इसके अंदर आप जो डेटा रखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो यहाँ पे अब एक इंट जो आपने लिया ये डेटा टाइप है, ये फिक्स रहेगा, ये वेरिएबल है जिसके अंदर आपको डेटा स्टोर करना है, तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमेशा जो आपने 5 डेटा दिया वो इस वाले वेरिएबल में स्टोर होगा, और ये वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वो यहाँ से डिफाइन हो रहा है। तो मैं इसे ए कर देता हूँ। और इसी तरीके से मान लीजिए मैंने एक और डेटा स्टोर करना चाहा, जिसका नाम यहाँ पे बी दे दिया, और इसको दे देते हैं 4। तो अब आपने क्या किया कि 2 वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के और इनको यहाँ पे स्टोर किया। अब इनको देखना है कि इंट में क्या है। इंट ए जो डेटा टाइप है, इंट एक वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर हुआ, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको प्रिंटफ में आना होगा और यहाँ पे आप यूज करेंगे परसेंटाइल डी और यहाँ पे कॉमा और ए असाइन कर देंगे। ए दैट मीन्स जो आपने वेरिएबल पहले डिफाइन किया है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखिए
ए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 5। 5 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ए के अंदर 5 हमने स्टोर किया है, ये हमारा डेटा इसके अंदर स्टोर है। और इसके अंदर जो भी डेटा है आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यूज करेंगे परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी बेसिकली ये बताता है कि किस टाइप का डेटा आप प्रिंट करना चाहते हैं। अभी इसमें परसेंटाइल एफ वगैरह भी यूज होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे हमको परसेंटाइल डी यूज करना है ताकि हमें इंट टाइप का डेटा प्रिंट करना है, ये प्रिंट आपको पता चले। तो आपने यहाँ पे असाइन कर दिया। देन क्या डेटा प्रिंट करना है, किसमें का डेटा प्रिंट करना है, तो वो हमें करना है ए का। इसी तरीके से आप बी का भी प्रिंट कर सकते हैं। और जब हम बी को रन करेंगे यहाँ पे लिख के, तो आप देखिए यहाँ पे 4 प्रिंट हो रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक इंटीजर लिया जिसके हम अंदर हम कोई भी एक इंटीजर डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसमें सोचते हैं कि ए लिख दूँ बी लिख दूँ तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इसलिए इस वेरिएबल के अंदर जब भी कुछ भी आप सेव कर पाएंगे वो सेव होगा एक इंटीजर वैल्यू, दैट मीन्स 5, 6, 7, 8 कोई एक नंबर, वो भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 0.6 लिखूँगा तो ये आपको लग रहा है कि स्टोर है। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। आपको अभी भी प्रिंट जो होने वाला है एक वार्निंग जनरेट हो रही है। देन 5.6 के लिए एक एरर आ रहा है। और यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो देखो एक तो वार्निंग आई, यहाँ पे वार्निंग आई, लेकिन ए फिर भी प्रिंट हुआ है। वार्निंग जनरेटेड बट प्रिंट क्या हुआ है 5। दैट मीन्स जब हमने 5.6 भी लिखा तो इसके अंदर 5 ही स्टोर हुआ विथ अ वार्निंग कि भाई आपने जो डेटा स्टोर कर रहे हैं ना इंटीजर के अंदर वो गलत है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अगर ऐसा कर भी रहे हैं या किसी केस में ऐसा हो भी रहा है तो आप समझ लो कि इंट टाइप के डेटा टाइप में पॉइंट और पॉइंट के बाद आने वाले नंबर्स नहीं स्टोर होंगे। तो ये तो हो गया हमारा दो वेरिएबल ए और बी के अंदर एक इंटीजर टाइप का डेटा हमने स्टोर करा लिया। अब मान लो कि हमको इसको ऐड करना है ना, कि एक कॉन्सेप्ट आया कि हमें कुछ ऐड करने हैं दो नंबर्स को। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया इंट सी, और सी के अंदर ए प्लस बी को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, दैट मीन्स ऐड हो गया। अब अगर हम यहाँ पे सी को प्रिंट करें, सी को प्रिंट करें, दैट मीन्स ए में जो भी होगा और बी में जो भी होगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद सी में स्टोर हो जाएंगे। और अगर अब हम प्रिंटर पे सी को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास 9 प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, देखिए परफेक्टली 9 प्रिंट हो रहा है। फिर से वही चीज़ है, अगर हम यहाँ पे 0.5 करते हैं तो क्या होगा, कुछ होगा? रन करके देखते हैं। सेम एक वार्निंग आई जो कि यहाँ पे 5.5 के लिए है कि आप गलत डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं, और दूसरा जब ऐड भी हुआ तो सिर्फ 9 ऐड होके आया। तो ये असाइन करना गलत है। इंटीजर में आप इंटीजर वैल्यू डालेंगे और इनको आप ऐड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो यहाँ पे अब हम लोग ऑपरेटर भी समझने लगे हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग अगर ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर दैट मीन्स क्या होते हैं, डेटा के बीच में कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस ऐड किया, तो प्लस क्या होता है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, वो मैं आगे आने वाले टाइम पे बताने वाला हूँ। बट चूंकि हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज किया है इसलिए मैं आपको एक आइडिया देते चल रहा हूँ कि ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, क्योंकि एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है दो डेटा टाइप्स, दो डेटा के बीच में। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको नॉर्मली पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और सब्सट्रैक्शन होते हैं, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हुए आए हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज होता है।
अब मान लो कि हमको इनको मल्टीप्लाई करना है ए और बी के आए हुए डेटा को, तो सिंपली हम यहाँ पे एस्ट्रिक यूज करेंगे। देखिए प्रोग्रामिंग में मल्टीप्लाई के लिए कोई सिंबल नहीं है, अगर जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो एस्ट्रिक ही मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, जो कि नॉर्मली हम लोग अगर एक्स की तरह मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाते हैं वो यहाँ पे नहीं होता है। तो अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि 5 एंड 4 मल्टीप्लाई होके 20 आ चुका है ना। तो अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली हम यहाँ पे कोई नंबर लिख दें और उनका मल्टीप्लिकेशन करा लें? यस इट इज़ पॉसिबल। जैसे सी में हमने वेरिएबल्स का डेट को मल्टीप्लाई कराया है, इसी तरीके से आप 3 और एस्ट्रिक और 2 इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं और इनके बीच भी आप मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। अगर हम अभी इसको रन करके देखें तो जो सी में प्रिंट होगा वो 3 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 प्रिंट हो रहा है। अब एक बात आती है कि अगर यहाँ पे 3.5 लिखा होता और इनटू हो रहा होता 2 से तो क्या आता? तो यहाँ पे भी अगर हम 3.4 से मल्टीप्लाई कर देते और अब अगर हम आउटपुट को देखें तो आप देखेंगे कि अभी भी आपको मिलेगा 6। 6 क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये भले ही आपने फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया बट चूंकि ये डेटा टाइप इंटीजर है तो इसमें एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी, तो आ तो रहा होगा 6.4 समथिंग, बट ये स्टोर हमेशा क्या करेगा? इंटीजर वैल्यू, यानी कि जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो यहाँ पे स्टोर होके आने वाली है। तो आप देख रहे हैं कि ये 3.4 × 2 हो गया। अब अगर हम इसको ना 5 या 5 से ज़्यादा कर देते हैं तो ये राउंड फिगर लेता है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि 5 से जब बड़ा होता है कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन के बाद तो 1 ऐड हो जाता है उसके पहले वाले वैल्यू में, तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होगी। और अगर हम इसको रन करके देखें तो आप देखो अब 7 आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका आउटपुट आया होगा वो लगभग 6.6 के आसपास आया होगा और 6 को जब राउंड फिगर करेगा तो ये 7 कर देगा अपने आप को। दैट मीन्स जब आप यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको इंटीजर के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। दैट मीन्स आपके जो काम की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंट हमेशा एक नंबर स्टोर करेगा, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता। फ्रैक्शन करने के लिए आपको डबल या फ्लोट में से कोई एक डेटा टाइप को यूज करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी 2 नंबर को या 3 नंबर को, यहाँ पे अगर हम एक तीसरा भी नंबर ले लें, एक डी टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 6 कर देते हैं और इनको यहाँ पे प्लस करते हैं 6 से, यानी कि इसको हटा देते हैं जो हमने डायरेक्ट किया है, यहाँ पे लिखते हैं a × b और प्लस सी। तो अब आप कितने भी डेटा को यहाँ पे लेके उनके साथ अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर अब हम रन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल रही है। ओके यहाँ पे सी नहीं होना है, डी होना है, क्योंकि हमने तो सी डिफाइन ही नहीं किया है। a × b और प्लस डी, तो कंट्रोल एन। अब आप देखें यहाँ पे आ रहा है 26, 5 4 20 और +6 26। तो आप इस तरीके से कितने भी नंबर को ले सकते हैं और इनके अंदर आप कुछ भी चेंज करेंगे तो ये उसी हिसाब से आउटपुट आपको बना के दे देगा जैसा आपने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन या किसी अदर टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा। और भी ऑपरेशंस होते हैं जो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप और कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।